चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूं और एक जबरदस्त वीडियो आपके लिए। और दोस्तों, दिस इज द बाइंग सीजन। 2-3 महीने लॉकडाउन होने के बाद सभी लोगों के जो परचेसेस हैं वो डिले हो गए हैं और सब लोग बाय कर रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं कि भाई हम कौन सा टीवी ले, कौन सा स्मार्टफोन ले, और इसीलिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये बेस्ट स्मार्टफोन्स, बेस्ट टीवीज अंडर सर्टन 15,000-20,000 ऐसे वीडियोस। जी हाँ, जो आपको चाहिए आपको ट्रैक इन टेक चैनल पे मिलेगा। और इसीलिए दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। स्मार्टफोन्स तो करते ही हैं दोस्तों, लेकिन अब टीवीज के बारे में भी बात करनी होगी, क्योंकि हर एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर अब टीवी में भी उतर रहा है। बहुत सारे चॉइसेस आ गए हैं। पिछले 1-2 साल से सिर्फ शाओमी के ही स्मार्ट टीवीज लोग लिया करते थे, बट नाउ सो मेनी ऑफ देम आर कमिंग। और इसीलिए ये लिस्ट आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका बजट सिर्फ 15,000 है और आपको एक 32 इंचेस का टीवी चाहिए, तो टॉप 5 मेरे पिक्स कौन से हैं। लेकिन दोस्तों, हमने कुछ बेसिक क्राइटेरिया रखा हुआ है जिसके ऊपर वो टीवी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इट शुड बी 32 इंचेस, इट शुड बी HD रेडी, कम से कम 20 वॉट्स के स्पीकर होने चाहिए, एंड्रॉइड टीवी होना चाहिए, और स्पेसिफिकेशंस के मामले में कम से कम 1GB रैम एंड 8GB स्टोरेज होना चाहिए। दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया। तो दोस्तों, पांचवें नंबर पे, जी हां, पहले पांचवें नंबर का बताऊंगा, उसके बाद में फर्स्ट नंबर का बताऊंगा ताकि आप पूरा वीडियो देख सको। जो पांचवें नंबर पे है दोस्तों, वो है iFalcon। ये नया ब्रांड है लेकिन TCL की तरफ से आया हुआ है एंड ये 32 इंचेस का है। अब एक बात बता दूं आपको कि मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया 20 वॉट का है, लेकिन इसमें 16 वॉट का है, तो ऑडियो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, बट इट ऑल्सो हैज मैक्सिमम रैम 1.5GB। और इस लिस्ट में सबसे सस्ता है 10,990, लिटरली 11,000 में आपको एक अच्छा एंड्रॉइड टीवी मिल रहा है। जी हाँ, एंड्रॉइड ओरियो 8.0 है, तो अगर 9.0 होता तो अच्छा होता, बट एट दैट प्राइस आई थिंक दिस इज क्वाइट गुड, रियली 11,000 में। और हाँ दोस्तों, जो भी टीवीज मैं आपको बता रहा हूँ, सभी के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जरूर जाके आप देख सकते हो। और दोस्तों, जो चौथे नंबर पे आता है वो हमारे लिस्ट में सबसे ज्यादा महंगा है, लेकिन अगर आप ब्रांड के पास देखते हो, टीवी देखते हो, इट इज रियली गुड। मैं बात कर रहा हूँ मोटोरोला की। मोटोरोला टीवी जो है 32 इंचेस का आता है, HD रेडी है, 1GB रैम है, 8GB स्टोरेज है, 20 वॉट के स्पीकर्स हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा आता है जो कोई भी दूसरा टीवी नहीं देता है, और वो है वायरलेस गेम पैड। यस, एंड मोटोरोला ब्रांडिंग, ऑब्वियसली मोटोरोला का जो ब्रांड है उसकी भी कोई कॉस्ट है, इसीलिए 14,000 का ये आता है। थोड़ा महंगा है जैसे मैंने बताया, बट अगर आप गेम्स बहुत खेलते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गेम पैड मिल रहा है, इट्स अ गुड डील, और इसीलिए हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पे है। दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सभी टीवीज जो हैं ये मैंने इस्तेमाल नहीं किए, हमने बेसिकली स्पेसिफिकेशंस देखे हैं, फीडबैक देखे हैं, कुछ रिसर्च किया है, लोगों से बात किया है, उसके बाद में ये लिस्ट बनाई हुई है। लेकिन ऐसे भी टीवीज हैं जो हमने इस्तेमाल किए हुए हैं, इनफैक्ट ये जो टॉप के 3 तीनों टीवीज हैं, ये तीनों भी इस्तेमाल किए हुए हैं हमने, और उस बेसिस पे हमने रैंक किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंस जो ज्यादा दिया है, पिक्चर क्वालिटी को दिया हुआ है, और उसके बाद में एंड्रॉइड टीवी, OS, बाकी सब चीजें आती हैं, एंड ऑडियो इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। और इसीलिए दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है Realme का अभी अभी जो लॉन्च हुआ 32 इंचेस का टीवी। जी हाँ, उसका अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन जरूर देखिएगा। ऑडियो के मामले, अगर ऑडियो इंपॉर्टेंट है, लाउड ऑडियो बड़े हॉल में आपको रखना है, आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है, आई विल से दिस कम्स एट टॉप। और ये जो टॉप के तीनों टीवीज हैं दोस्तों, दे आर वेरी सिमिलर, किसी का ऑडियो अच्छा है, किसी का पिक्चर क्वालिटी अच्छा है, आपको डिसाइड करना है क्या इंपॉर्टेंट है, और मैं ये आपको बताने वाला हूं। तीसरे नंबर पर रियलमी टीवी है, ऑडियो 24 वॉट का आता है, जो किसी में भी नहीं है, और हमने जब टेस्ट किया तो सही में लाउड था, बेस वगैरह अच्छी तरह से सुनाई देता है, और बाकी के जो फीचर्स हैं वो सभी हैं, एंड प्लेन वैनिला और एंड्रॉइड है इसमें। और प्राइस भी दोस्तों 12,999 प्राइस है इसकी, सो आई थिंक इट इज डेफिनेटली एट नंबर 3, प्रोबेबली ऑन 2 और 1 ऑल्सो, आपके ऊपर है। दोस्तों, अगला टीवी बताने से पहले कह दूं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर इसका फायदा होता है, तो लाइक करके हमें जरूर बताइए, वैसे कमेंट भी कर दीजिएगा, थोड़े से हार्ट्स और रिप्लाइज मेरी तरफ से आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है Xiaomi का Mi TV 4A Pro। यस, 12,500 का है, सभी स्पेसिफिकेशंस, 1GB रैम, 8GB स्टोरेज, 20 वॉट के स्पीकर्स हैं, बट डिफरेंस एक है, यस, ये एंड्रॉइड 9.0 पे आता है, लेकिन उसके ऊपर पैच वॉल है, जो खुद का Xiaomi का UI है टीवी के लिए, जो उन्होंने बताया हुआ है स्पेसिफिकली, और उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको अच्छे लगेंगे। सो OS इज अ बिग हाईलाइट, इसकी पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी है, इसका भी हमने अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस किया हुआ है, इसको भी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, और इसीलिए मेरे लिस्ट में आता है सेकंड नंबर पे।
और दोस्तों नंबर वन पे आता है VU का 32 इंचेस। जैसे मैंने बताया जब हम रिसर्च कर रहे थे और जब रैंकिंग कर रहे थे 1, 2, 3 नंबर पे, तो किसी ने कहा नहीं ये तीसरे नंबर पे होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने इन्हें देखा हुआ है। इसका जो पैनल होता है मेरे हिसाब से, इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, इज वन ऑफ द बेस्ट पैनल ऑफ ऑल द टीवीज। और पिक्चर क्वालिटी आपको पता है टीवी में सबसे इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हमारी लिस्ट में है। बाकी सब स्पेसिफिकेशन तो सेम ही है दोस्तों, मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो मीट करता है और इसकी प्राइस भी 500 रुपए से कम है, 11999, 12,000 का आता है। मेरे हिसाब से बिकॉज ऑफ द पिक्चर क्वालिटी दिस शुड बी नंबर वन। वैसे आप मुझे बताइए, अगर इनमें से कोई टीवी आप ओन करते हो और इस्तेमाल करते हो तो आपको क्या लगता है, जो मैंने बताया सही है क्या, फिर आपकी रैंकिंग थोड़ी अलग होगी? अगर होगी तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज मुझे बतानी पड़ेगी, अगर आप रुक सकते हो तो एक टीवी ऐसे कहा जा रहा है, नाउ आई डोंट नो व्हाट द प्राइस इज गोइंग टू बी, लेकिन वन प्लस का भी 32 इंचेस का टीवी आ रहा है जो 15,000 से चालू होगा, तो वो जो है दोस्तों उसके लिए अगर आप रुक सकते हो दैट माइट बी वर्थ द वेट कहा जा रहा है। आई डोंट नो, मतलब 15,000 इज टू गुड अ प्राइस फॉर वन प्लस टीवी मेरे हिसाब से। और दोस्तों जैसे पहले बताया, जो भी टीवीज मैंने बताए हुए हैं सभी के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, जरूर जाके देख सकते हो। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।